बचाओ। नानी ओए खोते दे पुत्र, तेनू नानी नी पानी क्या था, पानी पानी बचाओ जीवन बचाओ। खोता कहीं का, पानी बचाओ जीवन बचाओ। पा ए प्रा, कौन है तू, राह भूल गया, गलत गली में आ गया है क्या? बेबे बेबे जसवीर प्राजी, अपने जसवीर प्राजी जो हमारे साथ रहते हैं। लगता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है वो प्राजी। एक मिनट, पानी बचाओ जीवन बचाओ। जसवीर प्राजी, नानी बचाओ जीवन बचाओ, ये क्या है, किसकी नानी बीमार है? और वैसे भी अगर किसी की नानी बीमार है ना, तो आपके नारे लगाने से वो सही नहीं होने वाली है। परजाई जी, नानी नहीं पानी बचाओ, और मैंने उस खोते को बोला था कि पानी बचाओ लिखना है, उसने नानी बचाओ लिख दिया। अच्छा अच्छा। ओए खोतिया, पानी के लिए तूने पूरे घर को सर पे उठा रखा है, नानी मरे तेरी, इतनी अच्छी खराटों वाली नींद आ रही थी मुझे। अरे बेबे, ये टाइम सोने का नहीं है, ये टाइम है जागने का। परजाई जी, आप दोनों को पता है पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है, पानी की किल्लत हो गई है, पानी नहीं मिल रहा है। बेबे हमें पानी बचाना है, और मैंने तो सोच लिया है कि पानी बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। परजाई जी, प्राजी, यहाँ पर नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला, अगर नारे लगाने हैं तो पूरे गांव में नारे लगाओ, समझे प्राजी? अरे परजाई जी, किसी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। तो मैंने सोच लिया कि पहले हम अपने घर पे पानी बचाएंगे, उसके बाद पूरे गांव में पानी बचाएंगे। बिल्कुल सही बात है प्राजी, मैं आपके साथ हूँ। हाँ। नानी बचाओ जीवन बचाओ, नानी बचाओ जीवन बचाओ, नानी बचाओ। क्या हुआ परजाई जी, आप भी दूसरी बेबी बन गई? आपको बोला है कि पानी लिखना था, उसने नानी लिख दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है। पानी पानी ना, पानी बचाओ जीवन बचाओ, पानी बचाओ जीवन बचाओ, पानी बचाओ जीवन बचाओ, पानी बचाओ। आज हम लोग जाएंगे भी नहीं, आज हम लोग स्कूल वाटर बॉटल भी नहीं लेके जाएंगे, और हम लोग एक ग्लास पानी भी नहीं पियेंगे। अगर हम लोग को प्यास लगी तो रसगुल्ले, जलेबी, समोसे, हम लोग ये सब देखेंगे ना, हमारे मुंह में खुद ही पानी आ जाएगा, हम लोग उसको पी लेंगे और हमारा पेट भर जाएगा। हाँ ये आइडिया अच्छा है, और भूख लगेगी तो खा भी लेंगे। मैं सुसु भी नहीं करूँगा। सुसु नहीं करेगा? है? हाँ नहीं करूँगा। सुसु क्यों नहीं करेगा भाई तू? लेकिन एक बार जो मैंने कमेंट कर दी तो मैं अपने भी नहीं सुनता। बेबे, मैंने तो सोच लिया कि मैं हफ्ते में ना सिर्फ एक बार नहाऊंगी, वो भी आधी बाल्टी से भी कम बाल्टी से। तू बाल्टी से नहाती है, पानी से नहीं? ओफो बेबे, मेरा मतलब ये है कि मैंने ये सोच लिया है कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाऊंगी, वो भी आधी बाल्टी से भी कम बाल्टी पानी से। तू हफ्ते में एक ही बार नहाएगी, ऐसा कौन सा काम कर रही है तू? बच्चों को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो, और वैसे भी ना पूरे घर में ना बो आएगी। ओफो बेबे, आप भूल गए ना, ये देखो, पानी बचाओ जीवन बचाओ, पानी बचाओ जीवन बचाओ, याद आया कुछ? हाँ, याद आया। मैं तो बिल्कुल भूल जाऊंगी कि पानी नाम की कोई चीज भी है इस दुनिया में। हाँ बेबे, वो तो आपको ऐसे भी याद नहीं रहने वाला है। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं बोली, कुछ सुना नहीं ना आपने? मटर छिले ना अमृता पुत्र। मैंने तो सोच लिया है, आज के बाद मैं किसी को नहीं कहूंगी कि चुल्लू भर पानी में डूब मर। कहीं उसने सच में चुल्लू भर पानी मांग लिया तो मैं तो देने से रही, और जब देना ही नहीं है तो फिर बात भी क्यों करनी। हाँ बेबे, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। छुनना छुनना बंसो अब कपड़े नहीं धोएगी, पानी की घर में न 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 एंट्री। मैं ना सबसे कहूंगी कि हम नए कपड़े ले आएंगे,
और कपड़े धोएंगे नहीं, हाँ, और सारे पानी वाले गाने भी बदल डालूंगी, जैसे टिप टिप बरसा पानी, हाँ टिप टिप बरसा रानी, रानी में आग लगी। ओए अमृता, ये बेबे तू कितना बड़ा वो कर रही है, काम बेबे? ओए नहीं, काम तो पता नहीं तू करती भी है कि नहीं, तेरे को मेरे चेहरे पे गुस्सा देख के नहीं समझ आ रहा कि वो जो करने के बाद लोग जेल जाते हैं? बेबे रिश्वतखोरी, क्राइम, खून, ये सब। हाँ बहुत वड्डा क्राइम गुनाह कर रही है तू। मैं तो इतनी तकलीफ से सिर्फ दूध वाली चाय पी रही हूँ, पानी भी नहीं डाला इसमें, और तू पूरा गिलास पानी पी जाएगी। नहीं बेबे नहीं, मैं इतना बड़ा गुनाह करने की तो सोच भी नहीं सकती बेबे। 7 घंटे हो गए, 7 घंटे से किसी के मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं गई है, तो मैंने सोचा कि सबको मैं एक एक चम्मच पानी पिला देती हूँ बेबे, इसलिए मैं पानी लेकर आई हूँ। बेबे इस काम की शुरुआत ना आप ही से कर देते, इतना शुभ काम, ये लीजिए हाथ आगे कीजिए। अच्छा लगा? नहीं बेबे, सबको एक एक चम्मच मिलेगा सिर्फ।